हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। और इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, या किस किस के बीच हुआ था, या कौन इसमें विजय हुआ था, या कौन हारा था। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आज हम इन सबको एक क्रम में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। मगर सिकंदर पोरस की बहादुरी देखकर पूरा राजपाट पोरस को ही सौंप गया था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व हुई थी। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तताप को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों सिंध की लड़ाई, जो कि 712 ईस्वी में लड़ी गई थी। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट तराइन की द्वितीय युद्ध। जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो 1192 में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद देखते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। इसके बाद देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था, यानी कि बाबर की इसमें विजय हुई थी। इसके बाद देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, बाबर इसमें जीता था। इसके बाद देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था, यानी कि इसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इसमें, यानी कि शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। इसके बाद देखते हैं कन्नौज, इसको विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 1540 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, वह भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने हेमू हेमू के बीच अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर की इसमें विजय हुई थी, यानी कि हेमू के इसमें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद देखते हैं तालिकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर ने अपने सेनापति को भेजा था, अकबर खुद नहीं गया था लड़ने के लिए। इसका राजा था मानसिंह, इसका सेनापति था मानसिंह, और मानसिंह को इसने महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भेजा था, और मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था बहुत बुरी तरह से। इसके बाद देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी उसी टाइम से। उसके बाद देखते हैं बाणीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, यानी कि अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। इसके बाद देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें कि मराठों की हार हुई थी। इसके बाद देखते हैं बक्सर का युद्ध। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय, ये संयुक्त इनकी सेना मतलब ये आपस में मिलकर लड़े थे, और फिर भी ये अंग्रेजों को नहीं हरा पाए, यानी कि अंग्रेजों ने इसमें विजय प्राप्त की थी। इसके बाद देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 तक चला था, यानी कि 2 साल युद्ध चला था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी।
इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक लड़ा गया था, यानी कि 4 साल चला था, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। मगर इसमें ये ऐसे ही छोड़ना पड़ा, इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया, कौन हारा कौन जीता कुछ नहीं। इसके बाद देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 ईस्वी में हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ये लड़ाई एक संधि के द्वारा समाप्त कर दी गई थी, एक संधि हो गई थी इनके बीच, उससे ये लड़ाई को समाप्त कर दिया था। इसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में लड़ा था, उसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। टीपू की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का इसमें पतन हो गया था। इसके बाद देखते हैं चलियान वाला युद्ध, ये 1849 में लड़ा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें कि सिखों की हार हुई थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के युद्ध जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।